हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अगर आप ठीक नहीं हैं फ्रेंड्स तो आप हो जाएंगे मेरी ये वेट लॉस रेसिपी को देखने के बाद। अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रेसिपी है। इसका लुक देखिए, कितना जूसी और सॉफ्ट और टेस्टी बना हुआ है फ्रेंड, बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर हमने ये बोनलेस चिकन लिया है जो कि 300 ग्राम। हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और फ्रेंड इसके अंदर हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे क्योंकि हम वेट लॉस के लिए बना रहे हैं, तो हम ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, लेकिन टेस्ट भरपूर आएगा। ये देखिए, आधा चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया है, आप अपने स्वाद अनुसार ले लें। आधा चम्मच हमने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। देगी मिर्चों से क्या होगा, कलर अच्छा आएगा, देखने में अच्छा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा, तीखापन। और फिर आधा चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ नींबू का रस बहुत अच्छा टेस्ट देता है और ये नींबू का रस और लहसुन अदरक आपको पता है हेल्थ के लिए भी कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड इसको हम मैरिनेट करेंगे ताकि ये जितने भी मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं 2-3, इनका जो जायका है अच्छे से जज्ब हो जाए बोटियों के अंदर, इन पीसों के अंदर चिकन के। तो हमने आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था फ्रेंड्स। ये देखिए अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम एक पैन रख लेंगे और उसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, हम बहुत ही कम छोटा एक चम्मच ऑयल का ऐड करेंगे जो कि है मस्टर्ड ऑयल, जो कि फ्रेंड मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया है कि हमने मस्टर्ड ऑयल अपने गाँव से निकलवा के लाए हैं। बिल्कुल असली ये है, बिल्कुल रियल मस्टर्ड ऑयल है फ्रेंड्स, ये असली वाला है। तो इसको हम देखिए एक चम्मच में ही इसको हमने फैला दिया है पैन के अंदर और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, इसकी महक निकल जाए मस्टर्ड ऑयल की। और फिर फ्लेम को हम स्लो कर देंगे, फिर हम ये जो चिकन के पीसीज है इनको एक एक करके लगा देंगे और फ्रेंड इसको हम कवर करेंगे, ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये जले नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया है, और ये सॉफ्ट हो जाए, भाप के अंदर अच्छे से गल जाए। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी मेरी यूज़फुल लगे, अच्छी लगे फ्रेंड्स, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, 2 मिनट के लिए ढक के हम इसको पकाएंगे। फ्रेंड्स ये मैं अपने लंच के लिए बना रही हूँ और क्योंकि सुबह में मैंने फ्रूट सलाद दिया है और फ्रेंड जो जिम ट्रेनर है उन्होंने बताया कि आपको प्रोटीन ज़रूर लेना पड़ेगा जब हम जिम करते हैं तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स आपको पता है चिकन के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो इस वजह से हम बना रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड, 2 मिनट के बाद हम टर्न कर लेंगे, कितना प्यारा गोल्डन सा कलर बहुत अच्छा आ गया है। तो फ्रेंड्स उबला हुआ खाना खा के हम थक गए थे, तो हमने थोड़ी सी चीट डाइट की है अपनी, तो ये हम जिम ट्रेनर ने कहा था कि बीच में आप ले सकते हैं ये चीट डाइट, तो इस वजह से हमने ये वाला चिकन इस तरीके से बना लिया है। लेकिन इसमें भी हमने देखिए फ्रेंड्स, ऑयल मसाले वगैरह कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, फिर भी ये बहुत टेस्टी और बढ़िया बनाता है। हमने इसको सैलड के साथ एंजॉय करा लंच के टाइम। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है इसको सर्व करने की। फ्रेंड्स जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जो हमें उससे बहुत थकान हो जाती है, तो जो हमें प्रोटीन जो है वो ताकत भी देगा। और फ्रेंड जब हम चिकन वगैरह खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो ऑलरेडी वैसे ही एनर्जी शरीर में आ जाती है। जिन जो दीवाने हैं नॉनवेज के उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी इस रेसिपी को, और अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों की सेहत का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर करिएगा, फैलाइएगा और हमें सपोर्ट करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करके, लाइक करके सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, और हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिए। और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वेट लॉस रेसिपी कैसी लगी। और मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगली बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।